अपना परिचय बता दीजिए, अपन नाम बता दें। अच्छा, रतन राय। आप ब्लॉक में किस लिए आई हैं? मैं पर्चा भरने आई थी, बीडी से भी आई थी। हाँ, बीडीसी पर्चा भरने के लिए मैं आई थी, जा रही थी पर्चा भरने, तब तक मेरे हाथ से एक लड़का आया और जबरदस्ती मैं उसको ऐसे कर रही थी, लेकिन मेरा हाथ न मोड़ा और उससे पर्चा छीन लिया। आप उसको पहचान सकी कौन नहीं, था? नहीं हम तो पहचान नहीं। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि आपका पर्चा दाखिला फिर से हो रहा है या फिर नहीं हो पाएगा? हो गया जी। तो आपके द्वारा क्या इसके लिए थाने में तहरीर दी जाएगी या फिर आगे कार्रवाई क्या की जाएगी? कार्रवाई तो होनी चाहिए ना कि एक लेडीज महिला के साथ ऐसा किया जा रहा है, बताइए। आदमी जा रहे भरने, अपना ना कुछ बोल रहे ना कुछ कर रहे, तब तक प्रशासन के आके उसमें मार झगड़ा करने की क्या जरूरत है? अब हम किसको पहचानेंगे बताइए? लेडीज महिला घर में रहने वाली किसको पहचानेंगे? हाँ, एकाएक देखे हम तो घबरा गए कि अरे बाबू क्या होने लगा। हाँ, कुर्सी चलाना मारना, महिला का हाथ मरोड़ना, बताइए। अपना परिचय बता दीजिए। मैं शारदानंद राय मुठुर राय, ग्राम बसोन, चूँकि बॉर्डर का गांव हमारा है, बसोन और बरहानपुर सटा हुआ है, वहीं का मैं रहने वाला हूं। आज जो ब्लॉक में आप पर्चा दाखिला करने आए हैं, क्या हुआ है यहां पे? ब्लॉक में मैं पर्चा दाखिल करने के लिए मैं पूर्व प्रमुख रहा 2005 से 2010 तक, और रतन राय जी ये प्रमुख रही 2000 से 2005 तक। हम लोग दोनों लोग क्षेत्र पंचायत के लिए पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे। भनवान गांव है, दोनों हमारे गांव के सटे हुए हैं मसून से। वहां चूँकि सीट जनरल थी, एक महिला की और एक जनरल, मैं जनरल वाले सीट में पर्चा दाखिल करने के लिए और ये महिला वाली सीट में पर्चा दाखिल करने के लिए जा रहे थे। हम लोगों का बूथ चूँकि जो जहाँ पर्चा दाखिल हो रहा है वो किनारे उधर बना हुआ था, हम लोग जब ब्लॉक ऑफिस के आगे बढ़े वहीं 25-30 लोगों की कुर्सी लगा करके बैठे हुए थे। आनंद राय उनको मुन्ना राय और उनके साथ 25-30 लोग थे। तुरंत जो ही हम लोग उनके सामने पहुँचे, ये लोग उठ करके हम लोगों का पर्चा छीन लिए और पर्चा छीन करके फाड़ करके फेंक दिए। सर, अभी जो ब्लॉक में एक मामला आया है पर्चा फाड़ने का, क्या हुआ है, विवाद क्या था? ऐसा एक मामला आज विकास खंड परिसर में दोपहर के आसपास एक पक्ष ने आरोप लगाया कि वे स्वयं और उनके घर की एक महिला नामांकन हेतु आई थी और उनके विपक्षी द्वारा उनके पर्चे फाड़ने की बात उन्होंने बताई है, और इस संबंध में इन्होंने जो सूचना दी है उसको जांच कराया जा रहा है। जैसा तथ्य आएगा उसके अनुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।